के तहत जिस तरीके से ये स्कीम लाई गई थी उसमें काफी ब्लैक मनी को बढ़ावा दिया गया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन तो हमारे देश में हमें अधिकार दिया ही गया है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक नाम डिस्क्लोज होना चाहिए कि आखिर कितनी धनराशि किसने दी है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया जिसका कि बहुत लंबा असर होगा हमारी पूरी चुनावी लोकतंत्र के ऊपर। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है, क्योंकि इसके तहत जिस तरीके से ये स्कीम लाई गई थी उसमें काफी ब्लैक मनी को बढ़ावा दिया गया है। एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें, आप किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं हो रहा। इसके पहले नाम डिस्क्लोज होता था और एक निश्चित 2000 रुपए से ज्यादा आप अगर नहीं दे सकते थे कैश में। अब इन्होंने कितने भी रुपए आप जो है बॉन्ड खरीदिए बैंक में जाके और पार्टी को डोनेट कर दीजिए, इससे ट्रांसपेरेंसी तो पूरी तरीके से खत्म हो गई और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो मैंने इसमें पिटीशन दायर करी थी कि इस स्कीम को रद्द किया जाए, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो जानने का अधिकार है आरटीआई के तहत तो नागरिकों को मिलना ही चाहिए। निश्चित रूप से देखिए ये तो इम्पोर्टेंट है, जब तक नाम डिस्क्लोज नहीं होगा तब तक काफी सारे मुद्दे हैं जो सामने आएंगे और काफी सारी परेशानियों को साथ लेके आएंगे। जितना भी ब्लैक मनी है या मनी लॉन्ड्रिंग है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो इस चीज से जुड़ सकता है इन फ्यूचर। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19 का भी हवाला दिया है कि जो 19(2) के तहत अगर रोक नहीं है तो जानने के अधिकार से नहीं रोका जाना चाहिए। नहीं बिल्कुल, देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन तो हमारे देश में हमें अधिकार दिया ही गया है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक नाम डिस्क्लोज होना चाहिए कि आखिर कितनी धनराशि किसने दी है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया जिसका कि बहुत लंबा असर होगा हमारी पूरी चुनावी लोकतंत्र के ऊपर। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है, ये कहते हुए कि इसमें जो एनोनिमस एलिमेंट इन्होंने लाया कि भाई किसी को पता नहीं लगे कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे और किसको दिए, ये बिल्कुल हमारे जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है जो कि एक मौलिक अधिकार है जनता का। और साथ में उन्होंने तो ये जितने भी अमेंडमेंट्स आए थे कंपनीज एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, सबको रद्द कर दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को जो ला रहे थे। दूसरी बात, उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो अमेंडमेंट करा गया था कि कंपनीज जो हैं कितना भी पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकती हैं, पहले जो रिस्ट्रिक्शन था कि अपना एनुअल प्रॉफिट से 7.5% से ज़्यादा नहीं दे सकती, वो भी रद्द कर दिया है कि ये हमारे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के खिलाफ है क्योंकि ये लेवल प्लेइंग फील्ड को हटाता है और बड़ी बड़ी कंपनियों को इलेक्शन इन्फ्लुएंस करने देता है। साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए और जो जमा करे गए पॉलिटिकल पार्टियों ने जो अपने खातों में जमा करे उसका पूरा ब्योरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है वो इलेक्शन कमीशन को दे और ये पब्लिक वेबसाइट पर डाला जाए जिससे कि जनता को पता लगे कि किसने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और किस पॉलिटिकल पार्टी को दिए। जो धनराशि जमा हुई थी इलेक्टोरल बॉन्ड से, क्या उसका खुलासा सरकार ने सुनवाई के दौरान किया? नहीं 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 किया था ना, तो उन्होंने ये बोला था कि हम एक इंटरिम ऑर्डर था कि भाई ये तुम सारा इन्फॉर्मेशन रखो इसकी और इलेक्शन कमीशन को सील्ड कवर में दो, तो अब उन्होंने बोला है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है जो अभी तक सील्ड कवर में थी वो सारी अब पब्लिक करी जाएगी और एक पब्लिक वेबसाइट पर डाली जाएगी।